नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इन सभी तथ्य के बारे में आपको हम आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में यह कन्या दस्तक देगी, क्योंकि यह कन्या आपकी जिंदगी का पूरी तरह से हिस्सा ही बन चुका है। दोस्तों, अगर यह आकाशवाणी झूठ निकला तो आप मुझे कहना, तुरक मुँह मांगा इनाम दूंगा। आपके जीवन में यह कन्या दस्तक देगी, क्योंकि यह कन्या आपकी जिंदगी पूरी तरह से हिस्सा बन चुकी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें, यह सर्वश्रेष्ठ समय का आपने कई सालों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जिसे पाना चाहते थे, अब अपनी जिंदगी में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, आपको वही मिलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यकीन कीजिए, यह बात हम अपने मन से आपको नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे आपके राशि ने इस बात का हमें संदेश दिए हैं। आपकी कुंडली में से आपकी ही ग्रह ने हमें संदेश दे रहा है, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरी तरह से आपके ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। दोस्तों, आपके कुंडली और आपके ग्रह को देखते हुए इस वीडियो को हमने निर्माण किया है, जो कि आप सबके लिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सबसे खास और महत्वपूर्ण धाम में रहने वाली है, क्योंकि यह सभी शुभ घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप यही समय का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपको अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होगा। इस राशि के जातकों के लिए यह समय उनके जीवन में प्यार तो लाएगा, ही साथ में उन्हें एक खुशमिजाज पार्टनर भी मिलेगा, जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। जो जातक पहले से ही रिलेशन में है, वे इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। प्यार के मामले में यह समय आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। जो लोग इस समय अपने रिलेशन को शादी तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। पिछले साल प्रेम संबंध की शुरुआत करने वाले जातकों के जीवन में यह समय कुछ बदलाव आ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए सही पार्टनर ढूंढने में उनके दोस्त मदद करेंगे। पिछले साल के विपरीत इस साल आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो आप पर विश्वास करे और प्रेमी के साथ साथ आपका दोस्त भी बने। आपके विचारों में आए इस बदलाव के कारण आपके मौजूदा रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता कि आप दोनों में अलगाव भी हो जाए। वृषभ राशि से शनि ग्रह के गोचर करने पर आपके मौजूदा प्रेम संबंध में परेशानियां उभर कर आ सकती
हैं। इस समय जरा संभल कर रहे अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में कई संदेह आएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अपने रिश्ते में शांति और प्यार बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखें। अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ अपने मन की बातें शेयर करने के लिए यह साल बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से आप अपने रिश्तों में आई गलतफियों को भी दूर कर सकते हैं। जो जातक लव रिलेशन में है उनके लिए यह साल काफी बढ़िया है। इस समय उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के विपरीत जो जातक सिंगल है वे प्यार की तलाश में हर तरह के समझौते के लिए तैयार दिखेंगे, लेकिन अंत में उन्हें ईमानदार और सच्चा जीवन साथी मिल ही जाएगा। हो सकता है उनका यह रिश्ता लाइफ टाइम चले शनि के आठवें घर में होने के कारण इस साल आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने के संकेत हैं। जीवन में दूसरों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। अगस्त के बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अपने रहन सहन और व्यक्तित्व कोडोट बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के सुखद परिणाम मिलेंगे। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना रहेगी। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे है। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहे, अपने नजदीकी लोगों से आदि द्वारा संपर्क में रहे। फाइनेंस कोडोट लेकर यह समय बहुत ही धैर्य और शांति से व्यतीत करने का है। दिखावे की प्रवृत्ति नुकसान ही देगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में ना रहे। किसी अनुभवी की मदद से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बिजनेस में महिलाओं को अच्छे मौके मिल सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। इस बारे में मैं सही जानकारी लेकर ही डिसीजन ले। ऑफिशियल काम को और अधिक बेहतर बनाए। परिवार का माहौल अनुकूल रहेगा। व्यवस्था संबंधी लक्ष्य भी गति में आएंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। मौसम कुछ प्रतिकूल रहेगा। लापरवाही ना करके अपनी लाइफस्टाइल को व्यवस्थित रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत में बेवजह की बातों पर वक्त खराब हो सकता है। दोपहर बाद दौड़ भाग बढ़ेगी। काम का तनाव भी रहेगा। जिन फैसलों पर काम करने में अकेलापन महसूस हो रहा है उन पर वक्त आने पर किसी का साथ मिल जाएगा। अभी से चिंता ना करते हुए केवल मौजूदा हालातों पर ध्यान देना जरूरी है। पैसों की समस्या दूर करने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। काम संबंधित बड़े आपको लेने हैं उन पर जरूरत से अधिक वक्त जाया ना हो इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के साथ विवाद बढ़ने की संभावना बन रही है। एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय योग्य शब्दों का प्रयोग करें। नाराज लोगों कोडोट मनाने में सफल होंगे एवं लक्ष्य प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त होगी। योजनाएं सफल होंगी एवं सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी एवं नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पेट एवं कमर में तकलीफ हो सकती है। बाएं पैर में भी दर्द हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में है। काफी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं।
यकीन मानिए वे सही ही साबित होंगे। यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णायक कदम उठाएं, अवसरों का लाभ उठाने से न चुके जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एक एकदम आपकी जिंदगी कोडोट हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस ना हो, यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़ फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को डोट समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को डोट पूरा कर लिया है। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे या अपने रिश्ते में कलंकफम पैदा ना होने दें। रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें। क्या किस समय आपके इस रिश्ते पर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं? इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपके किसी फैसले बटा विचार को डोट प्रभावित न कर पाए। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद ले। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। यह संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शांति रहेगी और वाहन सुख में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा, जिससे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को सर्वोत्तम बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास करें और जोखिम उठाने से न डरें, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए वित्तीय बजट को समझें। हालांकि आज बदलाव का दिन है, अचानक कोई आश्चर्य चुनौती के रूप में सामने आ सकता है और आर्थिक परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेंटर की सलाह लें और आलोचना को स्वीकार करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दूसरों से जुड़ने की क्षमता आपकी व्यावसायिक सफलता को निर्धारित करेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन कार्यों के प्रति जोश और उत्साह बना रहेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। अवसरों का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आय में वृद्धि होगी। नए अवसर मिलेंगे जिनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें और कड़ी मेहनत करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित निवेश के विकल्प चुनें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार इन दिन व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और धन दौलत में वृद्धि होगी। जीवन शैली में बड़ा बदलाव आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पुराने निवेश लाभ देंगे। शारीरिक शक्ति में कमी आ सकती है, इसलिए नियमित वर्कआउट से स्वास्थ्य को बनाए रखें और अपनी फिटनेस पर नांदेड़ रोजाना योग और मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। दिन के अंत में आराम करें, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं,
लेकिन कई बार अपनी लापरवाही की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती है। आपकी राशि के लोग भी इस मामले में थोड़ा नादान होते हैं। अपनी सरल स्वभाव की वजह से बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और किसी विश्वास की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा जताते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी कोई गुप्त बात बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अपनी हर एक बात बता देते हैं। आपको अपने इस व्यवहार में परिवार लाना होगा और सोच समझकर सभी के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करनी होगी, क्योंकि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी बातें जानने के बाद आपका फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार से ही रखना होगा, ना ही उनके साथ दुश्मनी में करें और न ही ज्यादा दोस्ती करें। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार करने तो ही आप के हाथ में होगा, क्योंकि लापरवाही के साथ किया गया कोई भी काम आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। परिवार का सहयोग आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है और दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर मस्ती का मौका मिलेगा। संपत्ति की बिक्री से प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और रोमांटिक डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाएं। प्रॉपर्टी में निवेश से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। इस राशि के जातकों, यह दो चीज आपको कमजोर बना सकती है। बिल्कुल अकेले में देखना ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। इस राशि के जातकों, ये दो चीज आपको कमजोर बना रही है। बिल्कुल अकेले में देखना। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक हैं, यह दो चीज कमजोर बना सकती है, इसलिए इस वीडियो को देखकर आप सावधान हो जाएं और इसे बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिसमें कुछ आपके लिए अनुकूल साबित होंगे तो कुछ की वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान दें तो आप अपने जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाते और उन्हें अपनी हर एक बात बता देते हैं जिसका वह गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वह आपके सच्चे दोस्त हों, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में और भी बहुत से ऐसे पल आएंगे जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा संभालना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार लेना होगा, तभी आपको आगे जाकर किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपका भविष्य सुरक्षित होगा। आपके जीवन की कौन सी दो चीज आपको कमजोर बनाने वाली है, उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कामकाजी व्यक्तियों को आज कार्यक्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक उन्नति के संकेत भी है। आपकी मेहनत और समर्पण से पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्यार भरे रिश्तों को रोमांचक बनाने के लिए आपकी सराहना होगी और कुछ लोग सोने की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए काम के साथ साथ घूमना फिरना भी जरूरी है। आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवन में मस्ती और आनंद के लिए बाहर निकलना हमेशा रोमांचक होता है। हालांकि अगर किसी ने कर्ज लिया है तो उसे चुकाने पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं जो पूरे परिवार के लिए खुशी लाएगा। इस दौरान उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
किसी करीबी से बातचीत में आपका प्रिय व्यक्ति अपनी बात कहने में अधिक रुचि ले सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। अपने शब्दों और फैसलों को प्रभावी तरीके से पेश करें और मिलने वाले अवसरों को हाथ से जाने न दें। आप सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और सहकर्मियों को सहयोग देंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और आत्मसंयम बनाए रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शांति रहेगी और वाहन सुख में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा, जिससे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को सर्वोत्तम बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास करें और जोखिम उठाने से न डरें, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए वित्तीय बजट को समझें। हालांकि आज बदलाव का दिन है, अचानक कोई आश्चर्य चुनौती के रूप में सामने आ सकता है और आर्थिक परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेंटर की सलाह लें और आलोचना को स्वीकार करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दूसरों से जुड़ने की क्षमता आपकी व्यावसायिक सफलता को निर्धारित करेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन कार्यों के प्रति जोश और उत्साह बना रहेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। अफसरों का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन आय में वृद्धि होगी। नए अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें और कड़ी मेहनत करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित निवेश के विकल्प चुनें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। दिन व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और धन दौलत में वृद्धि होगी। जीवन रैली में बड़ा बदलाव आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पुराने निवेश लाभ देंगे। शारीरिक शक्ति में कमी आ सकती है, इसलिए नियमित वर्कआउट से स्वास्थ्य को बनाए रखें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे। रोजाना योग और मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। दिन के अंत में आराम करें, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी लापरवाही की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती है। आपकी राशि के लोग भी इस मामले में थोड़ा नादान होते हैं। अपनी सरल स्वभाव की वजह से बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और किसी विश्वास की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा जताते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी कोई गुप्त बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी हर एक बात बता देते हैं। आपको अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा और सोच समझ कर सभी के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करनी होगी, क्योंकि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी बातें जानने के बाद आपका फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार से ही रखना होगा, ना ही उनके साथ दुश्मनी में करें और ना ही ज्यादा दोस्ती करें। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार करने तो ही आपके हाथ में होगा, क्योंकि लापरवाही के साथ किया गया कोई भी काम आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। परिवार का सहयोग आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है।
और दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर मस्ती का मौका मिलेगा। संपत्ति की बिक्री से प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और रोमांटिक डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाएं। प्रॉपर्टी में निवेश से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी 1 लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को डोट मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। डॉट साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। डॉट आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। डॉट आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। डॉट आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। यह मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगा। इस चीज में आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लग्न का ज्यादा हाथ होगा। यह समय आपके करियर की धान का समय है और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा उपयोग करें। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जो भी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज के दिन निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आप सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, तो आप नए दोस्त बना सकते हैं। आप
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपका दुहक बर्फ की तरह पिघल जाएगा। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाया। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस होगा, आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगा। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपके नयन नक्श आकर्षक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में लोग अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, परंतु चिंता न करें, आपका अहित नहीं होगा। बेहतर होगा कि अपने कार्य में व्यस्त और मस्त रहे, कहीं भी उधार देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित करें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सीक्रेट रखें। पुरानी प्रॉपर्टी के सेल परचेज से संबंधित बिजनेस में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। वर्किंग महिलाएं अपने काम को लेकर कुछ तनावग्रस्त रहेंगी। सरकारी नौकरी में कोई विशेष अथॉरिटी मिलेंगे। व्यवसाय में कोई रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई हैं। परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर न करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। ऑफिशियल फाइलें व्यवस्थित रखें। कारोबारी स्तरीय विशेषता अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कमीशन संबंधी बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी के मामले में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। एन संबंधी कोई गलती हो सकती है। ध्यान रखें कि आपका गुस्सा और दूसरों पर बहुत अधिक अधिकार पूर्ण व्यवहार करना आपको अपने नजदीकी लोगों से दूर कर सकता है। बच्चों का अपनी पढ़ाई करियर को लेकर तनाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज न करें, क्योंकि किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि सभी काम अपनी देख रेख में करवाएं। या तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई ऑफर मिल सकता है, कहीं से आपको लोन वगैरह है मिल सकता है, या फिर कोई पार्टनर से बगैर आएगा ऑफर भी आपको प्राप्त सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप इसे भी स्वीकार कर ले, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक अवसर होने जा रहा है। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह फरवरी का जो पूरा महीना है, इस महीने में आप कभी भी अपने व्यापार से जुड़े हुए मामले में लोन वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका व्यापार बढ़ाने के लिए यह महीना सर्वोत्तम है। आप किसी भी स्थिति के लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह नहीं सोचते हैं। जो कुछ आपके रास्ते में आ जाता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ज्यादा है। इस ऊर्जा का प्रयोग अपने रास्ते में आने वाले एक अवसर को समझने के लिए करें और देखें कि क्या होता है। अपने स्वास्थ्य से शुरुआत करें। तले भुने खाने से बचकर रहें, अच्छी नींद ले आए। आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी। तुरंत अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सेहत योग्यता नहीं रही, लेकिन आप अब की बार या कर पाएंगे। सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना है जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ और इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क और या यहाँ तक कि विद्रोही हो जाएगा। जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं, वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है।
आपके अब नियंत्रण में है, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचें और हर फैसला तार्किक तरीके से लेकर धन का आगमन पर आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी, भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलब्धियां दे सकता है। उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी ही पूंजी साबित होगा। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ा रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। आपने आप अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर है। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणामों पर गर्व होगा। आपका और आपके करीबी जिनकी आपने जिम्मेदारी ली हुई है, सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिल सकता है। एक टक में जीतना एक दिल के जीतने से बहुत अलग है। आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या का बहिष्कार कर सकता है। अपने प्यार अपने साथी को तर्क वितर्क में जीतने का मौका दे। अपने साथी को आपके बिना बोले अपना मन मस्तिष्क बढ़ने दे। कुछ कदम आगे जाकर अपने प्यार अपने साथी की मदद करें और इस तरह से आपका साथी आपकी सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाई। आपके ग्रह नक्षत्र आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। यह समय है आपको अपने धन को बचाकर रखने का, इसलिए फिजूल से बचें और अपने धन को भविष्य के लिए बचाने की भरपूर कोशिश करें। इस समय आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका कैरियर और आपके धन वृद्धि को प्रभावित करने वाले ग्रह नक्षत्र इस समय आपके साथ हैं, आपके अनुकूल हैं, इसलिए आप अपने करियर में विशेष ध्यान दें और धन का संचय करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें थे तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। आपके ग्रह नक्षत्र का योग बता रहा है कि इस समय शिव जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होने वाली है। सावन के पवित्र महीने में शिव जी शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के साथ साथ मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए बस आपको प्रतिदिन शाम को मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। उन्हें खीर का भोग लगाएं, कमल गट्टे की माला चढ़ाएं और प्रतिदिन उनकी आराधना करें। इसके अलावा आपके द्वारा सच्चे दिल से की गई मेहनत और लगन से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इन राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है और आपके द्वारा किए गए हर एक उस काम का आपको भरपूर लाभ मिलेगा जिससे आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आपके जीवन में कामयाबी और सुख समृद्धि आएगी। इस समय आपने जो सोचा भी नहीं है उससे ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसे बरकरार रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। आप अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी वर्कप्लेस में या घर परिवार के लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर रखें, सभी के साथ अपने संबंध मजबूत कर ले तो बनने वाले शुभ योग आपके जीवन को बेहद समृद्ध और मजबूत बना देंगे। साथ ही आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं उसके द्वारा किए गए कम के ऊपर निर्धारित होती है।
क्योंकि व्यक्ति द्वारा किए गए कम ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं, और जैसा आप काम करते हैं धीरे धीरे आपको उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के दोष या फिर उनके विपरीत प्रभाव की वजह से आपके किए गए सत्कर्मों का भी आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस समय अगर आप अपने आप को ज्यादा शांत रखना चाहते हैं तो अध्यात्म और मेडिटेशन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस के अलावा आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपके आसपास मौजूद लोगों में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो आपका दोस्त बनाकर आपके साथ दुश्मनी निभा रहा हो, आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी कामयाबी और सुख समृद्धि में बाधक बनते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर विशेष नजर रखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। जो तुमने सोचा भी नहीं है, है उससे ज्यादा मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। वालों के जीवन में इतना कुछ मिलने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको आंख बंद करके जी की इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ में इस राशि वालों के लिए ही की गई है। इस राशि के जातकों के जीवन में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में सुनकर उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि ये दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आपकी कुंडली में ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके प्रभाव से आपके जीवन में पॉजिटिव जाने वाला है। आपके सभी कष्टों और परेशानियों का अंत होने वाला है। आपके जीवन में जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके की गई पूजा पाठ और पुण्य कर्म का अब आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। आपकी पूरी लाइफ इस तरह चीज होगी कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे। 9 अगस्त 2024 का दिन महाद्वीप की कृपा से आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए एक साथ कई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपको अपने घर परिवार आस पड़ोस और अपनी वर्क प्लेस में भी खुशहाली और कामयाबी मिलेगी। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है और बनने वाले ग्रह नक्षत्र आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी दिला सकते हैं। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, इसके लिए आप अपनी लगन और मेहनत बरकरार रखें। आप अगर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई बड़ा एग्जाम या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। बस अपनी लगन और मेहनत करते रहें। इसके अलावा विवाह योग्य लोगों को भी इस समय शुभ समाचार मिल सकता है, यानी उनके जीवन में विवाह के योग बनने वाले हैं। विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होगी और जल्द ही आपको योग्य जीवन साथी मिल सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होगा। बस पति पत्नी को आपस में सामंजस्य बैठाकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बताएं, कहीं बाहर घूमने जाएं और आपस में किसी भी बात को लेकर अगर कोई गलतफहमी हो तो बातचीत करके उसे सुलझा सकते हैं। इस समय आप अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखें। उनकी तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन इस समय आपका साथ के लिए बेहद जरूरी है। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपके द्वारा लिया गया सही फैसला इस समय आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति कर सकता है, जिससे आपका आने वाला समय बेहतर होगा। आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। किसी जानकार या अपने घर के बड़े लोगों से सलाह मशवरा करके ही कोई बड़ा निर्णय ले, क्योंकि कई बार आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं, बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और किसी भी कार्य को करने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले काफी सोच समझकर कोई फैसला ले तो आपके लिए आगे जाकर कोई परेशानी वहीं खड़ी होगी। इसके अलावा अपने कामों को कल पर टालने की बजाय तुरंत करने की कोशिश करें।
क्योंकि आलस्य इंसान के जीवन को पीछे धकेलता है। आपके द्वारा की गई मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपके जीवन को सुख और समृद्धि दिलाएगी। इस समय आपकी किसी से उधार लेने या देने से बचें, क्योंकि परिस्थितियां आपको ऐसा करने से रोक रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।